कुछ दिन से हमारे नल के पानी का कलर और स्मेल अजीब से हो गए और शिकायत करने पे पता चला हमारे एरिया की टंकी में एक डेड बॉडी तैर रही थी। हम उस पानी को नहाने धोने के अलावा खाने पीने में भी यूज करते थे, तो जब खाने में अजीब सा टेस्ट आने लगा तो हमें लगा कि टंकी और पाइप्स की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई होगी। फिर हमने वाटर वर्क्स में कंप्लेन करी और चेक करने पे उसमें मरे हुए आदमी की लाश मिली। पोस्टमार्टम से पता चला कि इसको पानी में पड़े हुए 15 दिन हो गए। ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है कि इसका मर्डर हुआ है या यह एक सुसाइड है। और जब ये खबर पूरे टाउन में फैली तो सब लोगों की हालत खराब हो गई और फिर सबने अपने घरों को गंगा जल से पवित्र किया। यहाँ तक कि लोग ये भी अफवाहें फैलाने लगे कि उनके पानी में बाल, हड्डी, दांत और खून भी आ रहे थे। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि टंकी के 4,80,000 लीटर पानी को खुले में छोड़ दिया गया और इसके बाद हम खाने पीने में बारिश का पानी यूज करने लगे।